असाइनमेंट 2.1। एन एयरप्लेन इज मूविंग एट 120 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस थ्रू अ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉस विंड ब्लोइंग एट एन एंगल ऑफ 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस। डिटर्मिन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन। ये क्वेश्चन है वेक्टर्स रिलेटेड, क्योंकि एयरप्लेन मूव कर रहा है 120 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, और कहा जा रहा है कि हवा चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड से और ब्लोइंग एट एन एंगल ऑफ 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोगों ने मालूम करनी है एयरप्लेन की। बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, और गिवन हमें क्या क्या है, वेलोसिटी V1 इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड और थीटा 1 हम लोगों ने 10 डिग्री गिवन है, वेलोसिटी V2 30 मीटर पर सेकेंड और जो क्रॉसविंड का जो एंगल उसने बताया है 260 डिग्री। रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने मालूम करना है V, उसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा उसका, याद रखें ये असाइनमेंट 2.1 है जो एग्जांपल 2.1 के बाद आ रही है, और एग्जांपल 2.1 जो है वो थी वेक्टर एडिशन हेड टू टेल मेथड के प्रोसीजर से, कि एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, इनको आपने ऐड कर लिया इस तरह के, एक का जो हेड है वो दूसरे के टेल के ऊपर टच हो रहा है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। तो हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल दूसरे तरीके से मैथमेटिकल अंदाज में इसको सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट वी सेट अ रीजनेबल स्केल, क्योंकि 120 मीटर पर सेकेंड बहुत बड़ा नंबर है, अगर इसको ड्रॉ करना शुरू करें तो हमारे तो पेज या स्क्रीन के ऊपर इतनी जगह ही नहीं होती, तो हम लोग इसके लिए एक स्केल डिफाइन करते हैं। 120 मीटर पर सेकेंड है तो हम कर लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें चाहिए 120 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर है, तो 120 मीटर पर सेकेंड कितना होगा, ये हो जाता है 8 सेंटीमीटर। 15 को मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, इस तरह जब 120 मीटर पर सेकेंड आ जाए तो उतना आपने सेंटीमीटर उसके हिसाब से नोट कर लेना। अगर 15 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर है तो 30 मीटर पर सेकेंड कितना होगा, ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोगों ने ड्रॉ करना है, उसके लिए आप सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और आप एक प्रोटेक्टर रख देंगे। पहले हमने पहला वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि होगा 10 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो अब आपका 10 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे आप कहीं पे डॉट लगा दें और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि कितनी लंबी हो, 120 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट इसके आपने जो रीडिंग्स हैं वो लिख लेनी है, 120 मीटर पर सेकेंड 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एंगल का भी लिख लेना है कि थीटा 1 जो है 10 यानी 10 डिग्री है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि दूसरा एंगल लिखना है 260 डिग्री, यहाँ से अगर शुरू करें एक्स एक्सिस से तो 90, 180 और 260, यानी कि 260 आएगा तब अगर आप अपने इस डी को या प्रोटेक्टर को उल्टा रख के 80 डिग्री के ऊपर आप लाइन लगाएं, और लाइन कितनी लंबी लगानी है, 2 सेंटीमीटर। अब आप इसकी भी मेजरमेंट्स यहाँ पर नोट कर लें, 30 मीटर पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर और एंगल कितना है, एंगल है हमारा 260 डिग्री। ये आपके दो वेक्टर्स बन गए V1 और V2। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस वेक्टर को उठा के इधर लेके आना है, क्योंकि हेड टू टेल रूल कि पहले वाले का हेड उसके सामने दूसरे वाले का टेल आ रहा हो, ठीक है। और इसको करने का भी वही तरीका है जिस तरह आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा था, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखे 280 डिग्री के ऊपर, 260 डिग्री के ऊपर आपने लाइन लगा लेनी है उतनी ही 2 सेंटीमीटर की, और अब पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड को जॉइन कर लेना है। अब इसको आपने मैयर कर लेना है, मैयर करते हैं तो इसको हमें पता लगता है कि 7.5 सेंटीमीटर है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 15 112.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट 113 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया हमारे पास, V इज इक्वल टू 113 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में उसने एंगल नहीं मालूम पूछा है इसलिए हम लोग नहीं बता रहे, वरना अदरवाइज इसकी मदद से हम लोग कंपस या प्रोटेक्टर की डी की मदद से हम लोग यहाँ पे एंगल भी मैयर कर सकते हैं।